सात माले पर रहते हैं, लिफ्ट काम नहीं करता है? ये लिफ्ट बंद पड़ी है अभी, कैसा चढ़ते हैं कैसा उतरते हैं। तो घर में कौन कौन है? लड़की है, बहू है, बेटा पोता है। तो पहले किधर रहते थे? पहले विजयनगर में, मरोल में। तो अपनी मर्जी से इधर आए? मर्जी से क्यों आए, तोड़ दिया तो रूम उतर दिया। नोटिस दे के तोड़ा? डबल डबल क्लास लाएंगे तो कैसा काम चलेगा? भी डबल क्लास एक साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन दो साल से आया। घर में भी परिवार में किसी को बीमारी उमारी हुआ? मेरे का लड़का मर गया मेरा, एक साल हो गया। कितने साल का था? अभी ये लड़का है उसका, एक 30-35 साल का, 30 साल का ही था। क्या हुआ? पानी से उसको तकलीफ हो गया था, तबियत खराब हो गया, उसका इलाज नहीं हो पाया। इतना लंबा से क्या इलाज करेंगे, पैसे बचेंगे तो इलाज होगा ना। सरकारी अस्पताल कितना सरकारी के, आना जाना मर जाता है इंसान। ये लोग ने तो पटक दिया बस, हमको कितना दिक्कत है, हमें जानते हैं लोग 10,000 भाड़ा भर रहे हैं। उधर भाड़े पे लिया अभी जाके क्या करें, जो कमाते हैं भाड़े से। विजयनगर हाँ, हम भाड़े से सब भाड़े पे अलग रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हम लोग अभी। तो इधर लड़का मर गया, इसके लिए उधर लेके गया, इधर इलाज नहीं हुआ, उधर लेके गया, उधर जाके शादी हो रखा था, छोटा सा बच्चा है उसका, जब तो आ गई वहाँ से, फिर भाड़े से लिया बेचारी, क्या करूँ। सरकार मीडिया कुछ आता नहीं, अभी दवा भी तो चालू किया था, क्या करें, उधर आधा टाइम उधर किधर दे लेगा। अभी घर का खर्चा कैसे चला पाते? कैसा चलाएंगे, अभी घर काम कर रहे, कोई झाड़ू का काम करते उससे चलाते, वो भी मरोल में हमारा अभी नहीं चल रहा, इसलिए तो आलू तक कर रहे हैं ना, क्या करेगा। जो भाड़ा लगाए क्या खाए उसको, सत्यानाश होएगा जिसने भाड़ा है। कोई नहीं हमारे पास, सरकार इतने सारे लोगों को आपको लगता है कैसे करेगी, कहाँ देगी घर? ये तो वही जाने, आप लोग कुछ करेंगे तो सरकार करेगी ना, ये भी कुछ आप लोग भी करो। हम तो छोटा सा मीडिया है हमारा, तो मीडिया में मीडिया क्या नहीं करते, तो डालेंगे ना, अगर मीडिया चाहे तो लोग क्या नहीं कर सकते। हमारा छोटा सा अखबार है, बाकी मीडिया तो देखिए ना, एक साल में कौन कौन आया बताइए, उधर का पानी में ये कानून में का कुछ नहीं होता है, कानून वाले किधर भी फेंक देते हैं, ये गवर्नमेंट किधर भी फेंक देते, उठा के कचरा कीड़े मकोड़े जैसा, आप इसका भी सुनो। हमारे देखो माहौल में जाके सब दांत गिर गया, माहौल से दांत गिर गया, बीमारी हो गई हमको पूरा, नहीं सच में झूठा नहीं बोल रहा, उधर कह रहे हैं जब से बीमारी लग गई सबको, बीमारी सबको खुजली आती ना, खुजली वो बीमारी। आप कौन से? वो अभी चला गया ही नहीं। आप कौन से गांव से? हम लोग कैटली गए, कैटली ये क्या महाराष्ट्र में? आप किधर से फेंका आपको? आपके घर भी कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? मैं और मेरी लड़की थे बाबा, कोई नहीं हमारे साथ में। अभी लड़की क्या करती है? वो अभी जा रहे हो जॉब पे, मेरे से नहीं हो रहा है ना, अभी हाथ पैर सब दर्द होते और वो डायबिटीज है मुझे। अच्छा ये बताइए, तो 1.5 साल से लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग कंप्लेन कर ही रहा था, एकदम ही थक गए, तो फिर आगे आवाज़ उठाया हम लोग ने, वहाँ रहने के लायक का जगह नहीं है, वो पानी में भी चिड़े आते, पानी वहाँ का पी नहीं सकते हम लोग। और जितना इंडस्ट्री है वो तो बंद होने से रहा, वो तो अभी भी अंगार लग गई थी ना वहाँ पे, अभी तो चालू है ना। हाँ चालू है, लोगों को हटाने से अच्छा उसको बंद नहीं कर सकते, क्या मतलब अभी बंद होएगा ना, बड़ी बड़ी कंपनी हम लोग के आंग पे कौन बनाया, कौन बिल्डर बनाया, मालूम नहीं बाबा कौन बनाया,
हम लोग को लेके आके फेंक दिया उधर। हम लोग जो रहता था वो जगह बहुत अच्छा था हमारा। अभी उधर कौन क्या हो गया? अभी उधर ये बन रहा है रोड। रोड विकास हो रहा है शहर का? विकास हो रहा है। आप लोग का नहीं हो रहा है, शहर का हो रहा है। शहर का हो रहा है, क्या करेंगे? हम लोग एकदम मजबूर हो गए हम उधर गए। हम लोग को फंसा के, हमको फंसाया वो लोग ने, फंसाया। तो करोड़ों रुपए दे के मूर्ति बनाया आपके लिए पैसा। और हम लोग तो तड़प रहे, हम लोग को किधर भी सूख नहीं। मूर्ति तोड़ना वही अच्छा था। वो नर्मदा पे नहीं बनाया, वो स्टैचू वो उसका बनाया सरदार पटेल। हम लोग को उधर फेंका है कीड़े में। तो कल जब न्यूज देख रहे थे तो कैसा लग रहा था सर? ऐसा लग रहा है कि गरीबों के जीने का अधिकार नहीं है। तो पैसा तो सरकार के पास है तभी ना लगा रहे। अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए सरकार के पास 3,000 करोड़ है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। ये कहाँ का न्याय है? 27,000 करोड़ सालाना बजट है बीएमसी का। तो बीएमसी किसका है, कौन सी पार्टी चला रही है? शिवसेना चलाती है। और भाजपा भी है? भाजपा भी है। स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी एंड शिवसेना दोनों का अलायंस है। तो सुन नहीं रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। पिछले बार वोट किसको दिया था? वोट तो हम बीजेपी को ही देकर लेके आए थे। और बीएमसी का जब हुआ था इलेक्शन तो बीएमसी को शिवसेना को दिया था हमने वोट। तो अगली बार किधर जाएगा? अगली बार अभी देखो, हम जिंदा बचेंगे तो माहौल। तभी 8 अगस्त को ब्लास्ट हुआ, आप सभी को मालूम है, उसमें हमारी जान चली जाती थी, बाल बाल बचे हम लोग। इसीलिए हम लोग ये कर रहे कि ताकि हम उस नर्क से निकले। बस अभी कहीं भी आपको भेज देगा चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं भी, हम अंधेरी से आए हैं। अगर अंधेरी से आए हैं तो हमको कुरला में दिए या घाटकोपर में दिए, कांजुरमार में इनका टेंटमेंट है जितना भी है, चकाला में है, जोगेश्वरी में है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में भी देंगे तो हम चलेगा, हमको इतना है। अभी कहीं भी दे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमको नासिक में दे दे, पुणे में दे दे, कल्याण में दे दे, ऐसा थोड़ी है। तो बॉम्बे में क्यों रहने का? बॉम्बे मेरा बोर्न प्लेस है, बर्थ प्लेस है मेरा बॉम्बे। मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, हर चीज़ है, मेरा घर है, मेरा घर था अंधेरी में। क्यों रहना यहाँ? जॉब करना है, फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है। तो सरकार तो ऐसे बोलती कि शहर के विकास के लिए रोड बना रहे थे, ये बना रहे थे, तो इधर से उधर फेंक दिया। मैंने कुछ नहीं फेंक दिया तो नहीं बोलती है, वो डंप किया है। जैसे हम अपने घर में कचरा बाहर फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, वैसे इन लोगों ने हमको मुंबई से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आप लोग क्यों है कचरा उनके लिए? गरीब है ना, इन लोगों को क्या लगा गरीबों को हम फेंक देंगे? इन लोग बोलते हैं ना, इनके पास जवान नहीं, इन लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपके पास ना मीडिया है ना कोई वकील है? कोई एक हमारा सपोर्ट में है, मिरर नाव। हम उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, 6 महीने से उन लोग कवरेज कर रहे हैं। वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो भी टाइम्स का है ना? टाइम्स मिरर नाव, मिरर नाव है, टाइम्स मिरर नाव नहीं, ओनली मिरर नाव। मुंबई मिरर नाव जैसे है वैसे मिरर नाव। मालिक उसका वो पता नहीं, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। करते तो नहीं है यूजुअली, क्यों कर रहे? अरे अच्छी बात है, मराठी मीडिया कोई नहीं आया? मराठी में अपने पत्रकार घूमते हैं थोड़े बहुत मराठी से, लेकिन इतने मराठी भी नहीं। वो मेरा नाव ही हमको सपोर्ट कर रही है इतना है। और हिंदी न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की ही है। तो आप कहाँ से हैं? आप कौन से गांव किधर? मेरा गांव वाराणसी में है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोर्न प्लेस मुंबई है। मेरा बोर्न प्लेस मुंबई में, मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ। पर आपका गांव बनारस में? बनारस में है। 40 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, मेरे मम्मी पापा। मैं तो अभी 26 साल का हूँ, मैं 26 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड 40 साल से हैं मुंबई में। तो 40 साल पहले काम की तलाश में आए थे बॉम्बे? काम की तलाश में आए थे, यहीं पे बस गए, यहीं पे मेरे डैड रेलवे में है, यहीं पे बस गए। तो यही अपना जो कुछ भी है मुंबई है, मुंबई कर है, हम कोई बाहर से नहीं आए। अच्छा, वहाँ पे माहौल में कौन कौन से समुदाय के, कौन कौन से जगह के लोग हैं? गुजराती, मराठी? गुजराती, मराठी,
अपने मुसलमान भाई बहन है, हिंदू भी है, पंजाबी भी थोड़े बहुत मिलेंगे, हर तरह से आए हैं लोग, ऐसे नहीं है कोई महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, हर तरह से। और बॉम्बे का सारा गरीब उधर पहुंच गया, उखाड़ उखाड़ के उधर डाल दिया सब। इनका प्लानिंग यही है कि मुंबई के जितने गरीब है उनको माहौल में डाल के मार दिया जाए, इनका प्लानिंग ये है। और मरने के बाद फिर जो गरीब है उनको भी वापस लाने के बाद भी तो लोग उन्हीं को वोट करते हैं, ये कैसा है? अब लोग बेवकूफ़ है, स्मार्ट है, वो खुद जाने। लेकिन हम माहौल में आके इतना तो समझ गए हैं कि गवर्नमेंट ये हमारी है ही नहीं। तो अभी सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो अब हमको यही करना पड़ेगा कि हम जहाँ से आए थे हम वही वापस अपना झोपड़ा बांधें। वहाँ पे तो वो लोगों ने पूरा कबाड़ कर दिया होगा ना, कुछ तो बना दिया, रोड कहीं बना, यहाँ पे जैसे ऐसे किया हुआ है, कैसे जाएंगे? झोपड़पट्टी तोड़ने का इसमें नहीं था तो भी तोड़ दिया जबरदस्ती। कब तोड़ा? सब ना आधा रखा है, आधा है, आधा है, अभी आधा वापस बना सकते हैं। आधा वापस हम लोग बना, परमिशन देंगे तो हम बनाएंगे। परमिशन तो नहीं देने वाले ना वो, तो भी बनाएगा हम लोग को जन्नत में डाल के दिया गरीब लोग को। हमारा ना इधर देखो भाजी, अपन आज पैसा नहीं लेगा तो कल देगा, बस वाला पैसा एक रुपया होगा तो नीचे उतर देता है, उधर 100 रुपया लगता है गाड़ी भाड़ा आने जाने के लिए, कहाँ से लाने का? हम दिन एक दिन खाएगा, दूसरे दिन हमको कैसा लगता है दिन कैसा जाने का वो सोचता है, वो गवर्नमेंट नहीं सोचता ना वैसा। अभी घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में बाल बच्चे छोटे छोटे, बहू है, बेटा है, बेटी है। नहीं नहीं अभी नहीं जाती, उन लोगों का शादी भी हो गया है, बच्चे बच्चे है छोटे छोटे, शादी नहीं होगा। घर में कमाने वाले जो हम लोग के बुजुर्ग ये घर हमारे ऊपर ही चलता है। क्या करते हैं आप? बर्तन धोता है। माहौल में मिल गया आपको? माहौल में तो नहीं मिला, हम लोग हमारा घर जो टूटा ना, हम 2 महीना वहाँ पे वेट किया, उधर काम ढूंढने को गया, बोलता है इधर तुम्हारा जेंट्स पहचान का है क्या, आदमी पहचान का है क्या, आईडी है क्या, आईडी है क्या, ये सब सोच के हम 2 महीना उधर रहा। लेकिन खाने को वांदा हो गया, खाने को मिला नहीं। अभी जाके 1 साल हो गया ना? हाँ, एक साल हो गया। हम अभी जात पहचान नहीं, हम उधर नहीं रहते, हम उसका पहचान करेंगे, यही हम लोग पहचान सब। अभी हम जिधर रहते थे ना उधर हम 30 साल काम करे हैं ना, हम उधर ही भाड़े पे घर लिया है और उधर ही भाड़ा भरते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर वालू है सब। दिमाग है, दिमाग है, पानी कपड़ा सुखाने को डालते है ना तो उसमें सब छोटा छोटा मच्छर बैठते है, बच्चे लोग मालूम है। देखो ना उधर उधर देखो, इतना हम लोग मतलब 1.5 साल होने को आया लेकिन इतना मुश्किल से गुजर रहे हैं ना, मानेंगे नहीं आप। तो विस्थापन जब होता है जबरदस्ती का तो क्या क्या छूट जाता है? जैसे वहाँ पे तो आपका जान पहचान था, उससे आपको लोग काम पे भी रखते थे। हमारे इधर का मुरल का बात करें, मेरा रूम है ना उधर कोई भी नहीं रहने को, अकेली मैं जवान लड़की को लेकर कैसा रहे बोलो तुम, कोई रह कर आ गया। आपका वो गांव किधर पड़ेगा? आपका गांव किधर पड़ेगा? हमारा गांव तो पुणे है, नासिक है। पुणे नासिक से? हां, मेरा पिताजी का गांव नासिक है, ससुराल पुणे है। रात ही एक एक करके दोनों साथ बोले, हम लोग सब एक ही जगह पे, हम लोग एक ही रह गए, हम लोग कम से कम 30-35 साल हो गए हम लोग एक ही जगह पे रहे, 35 साल हो गया। तो जब हटाया था तुरंत नोटिस देके हटाया कि समय लिया? नोटिस दिया था, हम लोग राजी नहीं थे, हम लोग राजी नहीं थे, हमको क्या बोला तुमको 3 किलोमीटर के अंदर रहेंगे, हमको भेजा 10 किलोमीटर के पास, 22 किलोमीटर बोलो वहाँ पे कोई मतलब सुविधा है नहीं, छोटे छोटे बच्चे कैसे संभाले कैसे खाए। कायदे में लिखा है 5 किलोमीटर में, उसमें लिखा है फॉर्म में 5 किलोमीटर का, उसका कायदे में निकला है, गवर्नमेंट का कायदे में निकला है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गवर्नमेंट का कायदे में लिखा है 3 किलोमीटर है उसका पास, फॉर्म के ऊपर सही है गवर्नमेंट का, उसके लिए निकला है 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर है क्या माहौल गाँव? नहीं है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के बोल रहा है कायदे में, गवर्नमेंट का कायदे में लिखे है 3 किलोमीटर। इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? गवर्नमेंट जिम्मेदार है,
गवर्नमेंट पे केस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पे तो केस हो रहा है, वो करना ही कर पड़ेगा, करेगा कोई किया है किया हम लोग ने सब केस दर्ज है, केस किया हुआ है, हां केस हार चुकी है, जजमेंट दे दिया है जज ने कि भाई इनको वहां माहौल से हटा के किसी और सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जाए। हम जहाँ पे रहते थे ना वहाँ पे ना लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, लाइट पानी नहीं था, हम लोग चटाई झोपड़ा बांध के हम लोग रहे कम से कम 10 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद हमने सब कमेटी बना के सब हमने कर दिया। आजकल पहला घर बनाने को ले कितना आशा है, तकलीफ रहता है, अरे अभी घर बनाने को कितना मुश्किल जाएगा बोलो। अरे वापस जाके बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? कम से कम आएगा 2-3 लाख रुपए आएगा, कहाँ से लाने का, हमारे पास तो 2 रुपए भी नहीं अभी बोलो। आज के जमाने में तभी तो हमने बना दिया कैसा, तो जिंदगी हम लोग के निकाले हम लोग ने, कम से कम 25 साल हुआ हम लोग को। पति लोग काम नहीं करते, हमारे पति लोग गए ऊपर, वैसे क्या हो गया था? वही बीमार वहाँ पे भी बीमारी था? नहीं नहीं वहाँ पे बीमारी नहीं, हमारे पति लोग वहाँ से उधर ही गए, लेकिन हम लोग ऐसा बोल रहे लोग को बोलने का मतलब क्या है? 3 किलो नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि वो उनको क्या हो गया था? आदमी को बीमार था, बीमारी थे, बीमार पड़े, जल्दी मर गए। जल्दी बस्ती में मैंने देखा बहुत लोग थोड़ा जल्दी, मर्द लोग थोड़ा जल्दी खत्म हो जाते हैं। गरीबी गरीबी बिना खाना ज़्यादा खाना पीना बराबर नहीं है, जवान भी रहे। अभी हम लोग को ना जिधर हमारा मतलब तोड़ा है अभी हो गया, सब कुछ हो गया खत्म। अभी क्या जो पहला था वैसा तो अभी होएगा नहीं, मालूम है कैसा पहला घर था या सब कुछ था। अभी 2 साल भी बर्बाद हुआ, 2 लाख रुपए भी लगेगा, कहाँ से लाने का? इधर तो जब भी काम करेगा तब भी 100 रुपए नहीं देते, लाइट 4 टाइम बोलना पड़ता है भाई 100 रुपए दे दो 4 टाइम, तब उसके बाद में देता है, तब जाके शाम को दाल चावल सब्जी रोटी लाना पड़ता है। अभी इधर हमारे है तो उधर हम कर सकते, उधर माहौल में क्या करेगा? माहौल में तो बहुत बेकारी है, माहौल में क्या करेगा? वो तो बेकारी है, ऐसा उससे आगे उससे ऐसा लगता है कि मशीन फायर में डाल के लिए हम नहीं जाता। अच्छा लेकिन आप ये टीवी में क्यों नहीं बताते? टीवी जिसका है जो चलाता है उनसे पूछिए आप, हमारे पास हमारा चैनल नहीं है। कौन सा चैनल है वो बोलो। अभी हम लोग इतना कितने दिन है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पता नहीं टीवी पे ऐसे बैठे। माहौल गांव में मैं हम लोग को साकी नाका से गया हूं, जब से गया हूं आज 10 महीना हो गया, 10 महीना से इतना तकलीफ़ है हमारे औरत को कि हार्ट की बीमार है और 6 माले से उतर चढ़ नहीं सकती है, एक ही रूम में पड़ी है। हम खाली हमारी औरत है, हम दो ही रहते हैं वहां, बच्चे लोग सब भाड़े के रूम पर हैं। कब पहुँचे थे उधर? जनवरी महीना 12 तारीख के ये लोग ज़बरदस्ती BMC वाला ने हम लोग को नोटिस दे के ज़बरदस्ती रूम तोड़ा, जो कि 3 किलोमीटर के लिए देने का रूल था, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती ले जाके हम लोग को ज़बरदस्ती डाल दिया। हमारे लोग का जो है कि 88 का ग्रुप था, 94 वाले को सबको जो है कि 3 किलोमीटर के देने का दूरी था, लेकिन आज जो है कि हम लोग को ले जाके 22 किलोमीटर दूरी पर डाला है, जो कि हमारे बच्चे हमारी बहू लोग सब लोग ही परेशान हैं। कब आए आप साकी नाका पहली बार जी? बॉम्बे कब आए? बॉम्बे मैं 72 से 74 से हैं। हाँ 74 से बॉम्बे। इंदिरा गांधी के समय का इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, उसके बाद का ये लोग आए, तब तक हमारे पास ID प्रूफ है, लेकिन फिर भी जो है ये लोग किसी की बात नहीं सुने, ले जाके माहौल गांव में हम लोग को डाले हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं इस समय रिक्शा चला रहे हैं, शिप का रिक्शा चला रहा हूँ। अपना है? नहीं नहीं, भाड़े का, भाड़े का रिक्शा है। वहाँ पे जब साकी नाका से गए तो ये रिक्शा चलाने में भी दिक्कत हो रहा है? अरे दिक्कत है पूरा, हमारा कमर ये पैर भी हमसे चल नहीं पा रहा है, मैं परेशान हूँ क्योंकि इतना मेरे को पकड़ ले रहा है कि 6 महले पर जाना आना, पानी का वहाँ सूट नहीं कर रहा है, हवा शुद्ध नहीं है हम लोग को, हमारी वाइफ का भी वही हालत है।
क्योंकि हमारे औरत बच्चे लोग तो सब इधर ही रह गए साकी नाका में, लेकिन हम ही दो परानी हूँ भाई, हमारा रूम टूटा तो मेरे को जाना ही था। किसको वोट किए थे? हाँ वोट किसको किए थे? हाँ वोट जो है बीजेपी को दिए थे। तो क्या वो अच्छा दिन आया? अरे अच्छा दिन क्या, जो अच्छा भी दिन था वो भी बुरा आ गया दिन। अभी बुरी दिन देते हो? हाँ अभी तो बहुत बड़ा मूर्ति बना है उधर पटेल जी का 1000 करोड़ों का। अरे तो वो भाई उससे हमको क्या लेना देना है, यहाँ हम लोग खुद परेशान है। मोदी अच्छा दिन लाने में 15-15 लाख रुपया देने वाला था, वो भी बीच में अटक गया है सब। तो